किसी की डेथ हो जाती है या कोई और प्रोग्राम होता है, वो अटेंड करने के लिए गए थे। 5:30 बजे हमारे पास सूचना आई, 5:15 के चौधरी साहब के ऊपर गोली चली है और हम तीनों भाई यहां पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। यहां पे जब वो पहुंचे तो गोली गाड़ी के ऊपर भी काफी चलाई गई थी और उनको भी काफी गोलियां लगी। डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन उनके सांसें नहीं चली और एक उनके साथ और थे जयकिशन दलाल जी, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी थे, पुराने राजनीति के ही वर्कर थे जयकिशन दलाल जी। गाड़ी में 4 लोग थे, आगे वाली सीट पे चौधरी नफे सिंह राठी बैठे थे, पीछे वाली सीट पे गनमैन था और जयकिशन दलाल थे और संजय जो कि हमारा बुआ का लड़का है वो गाड़ी चला रहा था। अभय सिंह चौटाला ने सीबीआई जांच की मांग रखी है, तो आप क्या कहेंगे? हम भी चाहेंगे कि इसकी जांच उच्च अधिकारी करें क्योंकि काफी समय से हम पुलिस प्रशासन से बार बार मांग कर रहे थे कि हमें जान का खतरा है, हमारे परिवार को जान का खतरा है, सीबीआई करे चाहे वो एसटीएफ करे हमें उससे दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको ये पता था कि हाँ नफे सिंह को जान का खतरा है, उसके परिवार को जान का खतरा है, उन्होंने क्यों आंख मीच के रखी? उन्होंने क्यों हमारे पिताजी को इतना वल्नरेबल छोड़ दिया कि कोई भी उन पे हमला कर ले? उन्होंने क्यों हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं करा? मैं आपको जितने हमने और मेरे पिताजी ने और हमारे संपूर्ण परिवार ने लेटर लिख कर सबूतों के साथ भेजी है वो सारे की कॉपी भी मुहैया करवा दूंगा, लेकिन ये समय नहीं। हमने बहुत कोशिश करी कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम सरकार के पास जाएं, लेकिन सरकार ने हमारी सुरक्षा नहीं की, हमें मरने के लिए छोड़ दिया। उसी का नतीजा आज के मेरे मैं अपने पिताजी को खो चुका हूँ। शक किसके ऊपर है? शक किस पे जा हुआ है? कोई रंजिश थी पुरानी या कुछ और ऐसा अंदेशा लगाया हो? हमने किसी के आज तक डड़ा भी नहीं मारा है। कैसे हुआ फिर? इसमें सरकार के आदमियों का हाथ है। सर, एक सुसाइड केस में जो है लुकआउट नोटिस आया हुआ था नफे सिंह राठी जी को, उनका नाम उसमें शामिल था, क्या लगता है कि उस मामले से भी जुड़ा हो सकता है कुछ परिवार के कुछ डिसीजन में? आप देखिए, लुकआउट नोटिस जो जारी था उसमें एंटीसिपेटरी बेल हो गई थी क्योंकि वो तथ्यहीन मामला था, झूठा मामला था, और लुकआउट नोटिस कैंसिल करवा के अभी देश का नेतृत्व मेरे पिताजी ने मिट्टी कुश्ती में जो टर्की में हुआ था सम्मेलन, उसमें अपने देश का नेतृत्व भी किया था। कोई आम हस्ती नहीं थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों में से थे। नेवी में रहे हैं, पहलवान रहे हैं, केसरी रहे हैं, बहुत नामी पहलवान रहे हैं, 2 बार इस शहर के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष थे, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने संघर्ष करके अपने देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए वर्ल्ड रेसलिंग में भी जाके नाम ऊंचा किया था। सभी राजनेताओं ने, बड़े राजनेताओं ने काफी दुख व्यक्त किया है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। उनके दुख व्यक्त करने से मेरे पिताजी वापस नहीं आएंगे। शायद देश की बिगड़ती हुई, हरियाणा की बिगड़ती हुई ये जो व्यवस्था है, इस शोक ही प्रकट हो सकता है। क्या वो किसी आदमी को वापस ला सकते हैं?
क्या वो उन बागड़ बिल्लों को जो साजिश करने वाले लोग हैं क्या उनको बेनकाब कर सकते हैं? और इसमें सरकार के आदमी ना हो क्या आप लोग ऐसा मान सकते? नाम भी देंगे हम, आप लोगों को भी बताएंगे। देखिए शक भी है और हमें पता भी है, लेकिन वो पुलिस का काम है, पुलिस अपनी जांच करे, जो बागड़ बिल्ले इसके पीछे हैं उनको सामने लाए, कोई भी वो व्यक्ति जो बड़ा रसूख वाला है उसको बचाने का प्रयास ना करे पुलिस, ना सरकार ऐसा प्रयास करे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के अगर सिक्योरिटी नहीं थी, और जबकि मैं तो ये भी जानता हूं कि हर बार पापा जब मीटिंग करके आते थे, विधानसभा में जाते थे, सीएम से मिलते थे, तो हमेशा ये कहते थे कि भाई सीएम साहब से मेरी बात होगी, सिक्योरिटी की वो कह रहे हैं सिक्योरिटी करवाएंगे, लेकिन करवाई नहीं उन्होंने, उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। सीएम के पास ऐसा होता सूचना ना हो, सीएम को तो ये भी पता होगा कि यहाँ क्या हालात है, सीएम को ये पता था कि यहाँ नफे सिंह के बनने के बाद इन लोगों का ग्राफ बढ़ा है, बिगड़ती कानून व्यवस्था पे कितनी बार हमने प्रदर्शन किए, कितनी बार ज्ञापन दिए, लेकिन क्या हुआ, हमारे ऊपर ही मुकदमे लगाए गए। हरियाणा में सरकार रही इनेलो की, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह जी, और उन्हें की सुरक्षा ध्यान नहीं रखा गया, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी, किस नजरिए देखोगे, कहां सुरक्षित, कहां सुरक्षित हो आप लोग? आज आप बोलना शुरू करोगे कल को आपको मरवा देंगे, किसकी सुरक्षा करेगी सरकार? किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। मांग क्या करोगे आप? अब आज मैं आपको कहना चाहूंगा, राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो, कोई आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेगा, और ये सीएम के खुद के बयान है कि मैं किसी आम आदमी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। आप आम की छोड़ो, आप तो खास को भी नहीं करा सकते। मेरे पिताजी को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। जितेंद्र जी आज कहां से आ रहे थे आपके पिताजी, और क्या लग रहा है कौन है ये लोग, क्योंकि जो पुलिस के अभी हवाले से पता लगा है कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ना तो हमें कभी मंथली मिली, मंथली की धमकी मिली, ना कोई और धमकी मिली। मैं नहीं जानता कि किसने लॉरेंस का नाम लिया, मैं नहीं जानता। मर्डर जो हुआ है सीधा सीधा क्या, मुझे मुझे ये नहीं कन्फर्म, मैं नहीं कह सकता, अभी ये जांच का विषय है, सरकार के आदमी इसमें जांच करे, पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे। पहले भी आज कहां से आ रहे थे, आज कहां से आ रहे थे पिताजी, ये हमला? मेरे पिताजी आसोदा से किसी की डेथ पे शोक प्रकट करके, और अपने जो उनके रूटीन के काम है उन्हीं में थे, सामाजिक काम जो होते हैं एक राजनेता के उन्हीं में। पता लगा कि पिछले दिनों भादरवाड़ में कोई फायरिंग हुई थी, उसमें आपके पिताजी ने जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़े रहे थे, उसको मेरे पिताजी हर उस उत्पीड़न के साथ खड़े रहे हैं, उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहे हैं जिसके साथ बुरा हुआ है। जब शहर के अंदर नगर परिषद की जमीन कब्जाई जा रही थी तब उन्होंने आंदोलन किया, जब शहर के अंदर ये अपना पिछले महीने की वारदात है, दुकानदारों से मंथली गोली मार के मंथली लूट ली गई, पैसे लूट लिए गए, तब वो जाके दुकानदारों से मिले। मेरे पिताजी ने तो इस शहर के लिए जितना बलिदान दिया मैं नहीं मानता, आज उन्होंने अपनी जान दे दी इस शहर के लिए, इस हलके के लिए, इस हरियाणा के लिए। आप बताइए किसने क्या किया हमारे लिए? अभय चौटाला से बात हुई, उनका कहना है कि पिछले दिनों उनको काफी उनके थ्रेट मिल रहे थे, कौन थे लोग धमकी दे रहे जी थे, उनको थ्रेट मिल रहे थे, और उन्होंने लिखित में एसपी साहब को मेरे सामने दरखास्त लिख के भेजी थी, मैंने भी दरखास्त लिख के भेजी थी, क्यों मैं यहाँ नगर परिषद में पार्षद हूँ, राजनीतिक तौर पे हमारा पूरा परिवार ही एक्टिव है, तो हमारे पूरे परिवार को दबाने के लिए राजनीतिक तौर पे हमारे को जान से मारने की धमकियां आ रही थी, और हमने उसकी बार बार सूचना प्रशासन को दी, मांग की सुरक्षा की, लेकिन हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये सच्चाई है। और आज वो जो लोग धमकियां दे रहे थे या साजिश रच रहे थे वो आज अपनी साजिश में कामयाब हो गए। ये एक राजनीतिक हत्या है और इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई निजी दुश्मनी किसी से रही है? निजी दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, हमारा किसी से कोई पैर नहीं, वो आप एसपी साहब से कॉपी ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर।